राज्यसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने मध्य प्रदेश से अपने उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं। बता दें कल नामांकन दाखिल करने की आखिरी तारीख है। इससे पहले बीजेपी ने मध्य प्रदेश से 4 उम्मीदवारों को चुनावी मैदान में उतारा है। इसमें डॉक्टर एल मुरुगन, माया नारोलिया, बंसीलाल गुर्जर, उमेश नाथ महाराज को बीजेपी ने उम्मीदवार घोषित किया है। ऐसा माना जा रहा था कि बीजेपी मध्य प्रदेश की 5 सीट पर उम्मीदवार उतारेगी, लेकिन पार्टी ने फिलहाल 4 सीट पर अपने उम्मीदवार घोषित किए हैं। 1 सीट कांग्रेस के खाते में जाएगी, वहीं बीजेपी द्वारा जारी लिस्ट में 1 उम्मीदवार को छोड़कर 3 चौंकाने वाले नाम सामने आए हैं। बताने की डॉक्टर एल मुरुगन का नाम रिपीट हुआ है। इसके अलावा 3 नए चेहरों को मौका दिया गया है। तो वहीं पार्टी ने जो 3 उम्मीदवारों को मौका दिया है, उसमें से मुरुगन अभी एमपी से ही राज्यसभा के सदस्य थे, फिलहाल केंद्र सरकार में राज्य मंत्री हैं। इसके अलावा उमेश नाथ महाराज उज्जैन के वाल्मीकि धाम के पीठाधीश्वर हैं। माया नरोलिया महिला मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष हैं, तो वहीं बंसीलाल गुर्जर किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं और मालवा प्रांत के मंदसौर के रहने वाले हैं।